तो कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। पता है होली के दिन में रंग लगाने का एक बहुत ही कमाल का साइकिल चलता है, और वो क्या है वो मैं आज तुम्हें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलो यार वीडियो शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे के। अब देखो यार, होली में कुछ लौंडे तो जरूर ऐसे होते ही है जो कि हर होली में अपनी मर्जी से रंग खेलेंगे, और रंग इतना खेलेंगे कि रंग खेल के पूरा का पूरा भूत बन जाता है अपनी मर्जी से। लेकिन हर होली में कुछ ऐसे लौंडे जरूर होते हैं जो कि होली में रंग खेलना नहीं चाहते, और अगर फिर भी वो लोग रंग खेलना चाहते हैं तो वो लोग ये बोलते हैं कि देख भाई मुझे रंग लगाना है लगा, लेकिन सिर्फ मेरे मुंह पे लगाना, मेरे कपड़ों पे बिल्कुल भी रंग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे माँ बाप ने अगर देख लिया कि मेरे कपड़ों पे रंग लग गया है तो मुझे बहुत मारेंगे, जो कि सरासर झूठ है। क्योंकि इन लोगों ने होली के दिन एक बहुत ही अच्छा सा, मतलब बहुत ही महंगा सा टी शर्ट पहन के और अच्छी सी पैंट पहन के अपने घर से निकलते हैं होली के दिन। वो किस लिए? वो अपने जीएफ से मिलके और उसके साथ प्यार की होली खेलने के लिए ओयो में, इसकी वजह से वो निकलता है। नहीं तो तुम लोग मेरे को बताओ यार कि कौन सा ऐसा बंदा होगा जो कि होली में अच्छे कपड़े पहन के निकलता है, क्योंकि उसको पता है हर लौंडे को पता है कि होली के दिन सबसे पुराना कपड़ा पहन के ही निकलना चाहिए, क्योंकि आज के दिन कपड़ा रंगों से रंगीन होने वाला ही है, ये तो बिल्कुल फैक्ट है। और इस दिन जो भी लौंडा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए अच्छे से कपड़े पहन के निकलता है, वो अगर अपने कुछ ऐसे हरामी दोस्तों से अगर गलती से मिल भी जाता है जो कि जिनका मोटो ही है लाइफ में कि सबको रंगों से भूत बना देना, तो फिर तो तुम लोग जानते हो कि उसके बाद क्या होता है। वो जो लौंडा इतनी मेहनत से घर से सज धज के अच्छे कपड़े पहन के निकला था कि अपनी गर्लफ्रेंड से जाके मिलेगा और उससे ओयो में जाके प्यार की होली खेलेगा, वो तो पूरा रंगों से रंगीन हो ही जाता है। और जिसका और उसका जो हरामी दोस्त थे वो तो पहले से ही भूत बने हुए थे, और वो अपने जैसा ही एक और भूत उस लौंडे को बना देता है जो कि साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकला था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने, और इतना रंग डालते हैं कि वो जब लौंडा जब अपनी घर में वापस जाएगा तो उसको तो वो तो खुद को तो पहचानेगा ही नहीं, और उसके माँ बाप भी उसे घर से निकाल देंगे। ये नहीं इसलिए नहीं कि उसने कुछ गलत काम किया है, इसलिए कि माँ बाप उसको पहचानेंगे ही नहीं कि ये किसका बच्चा है, हमारा तो बच्चा नहीं है, ये इतना मतलब गंदा बच्चा है कि कौन सा एलियन आ गया है, कौन से प्लेनेट से, चल निकल, तेरे हिम्मत कैसे हुई घर में घुसने की। मतलब आजकल लोग तो मतलब किसी के भी घर में घुस जाता है, निकल निकल हमारे घर से, निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल। अब देखो वो जो लौंडा जो अपनी घर से साफ सुथरा कपड़ा पहन के निकला था, अच्छा सा कपड़ा पहन के निकला था अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, वो जब अब भूत बन चुका है, अब उसके पास सिर्फ और सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो वो इस हालत में अपने घर में वापस चला जाए, और दूसरा ऑप्शन है कि वो इस भूत की टोली में शामिल होके बाकी जो साफ सुथरे लौंडे घूम रहे हैं जो कि इसी प्लान से निकले थे कि अच्छा सा कपड़ा पहन के जाएंगे और अपनी गर्लफ्रेंड से जाके आशिकी करेंगे, उसको भी अपने पार्टी में शामिल कर ले रंगों से रंगीन करके। अब हरामी दिमाग तो क्या सोचता है वो तो तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो, उसके दिमाग में तो यही चलेगा कि मैं अब रंगीन बन चुका हूँ तो मैं बाकियों को जो साफ सुथरे है वो कैसे साफ सुथरे घूम रहे हैं, उसको भी मैं अपने जैसा रंगीन बनाऊंगा, अब मेरा भी ये प्लान है। और अगर बाई चांस सोच लो अगर कोई लौंडा रंगीन होने के बाद जो इसका रंग खेलने का मन नहीं था, या फिर जो भी काम से निकला था उसका रंग खेलने का इतना मूड नहीं था, वो जब अब वो रंगीन हो चुका है, अब वो घर जाने की प्लानिंग कर रहा है कि यार अब मैं घर चला जाता हूँ क्योंकि अब मेरा प्लान तो नहीं हुआ कोई गर्लफ्रेंड के साथ मिलने का या किसी भी दोस्तों के साथ मिलने का साफ सुथरा होके, तो मैं घर चला जाता हूँ, तो वो जो रंगों की जो टोली है, जो भूत की जो टोली है, वो इस लौंडे को जो अभी 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 रंगीन हुआ है उसको बोलते कि देख मेरे भाई अब तो तू रंगीन हो चुका है, अब तुझे गुस्सा भी आ रहा है, अब तेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन है, या तो तू हमारे टोली में शामिल हो जा और बाकी जो साफ सुथरे घूम रहे हैं जो कि तेरी ही प्लान से निकले थे, या फिर होली के दिन अच्छे कपड़े पहन के ये सोचते थे कि उन पे कोई रंग नहीं लगाएगा, उनको रंगीन करने के प्लान में हमारे साथ शामिल हो जा, या तो तू हमको रंग लगा के अपना गुस्सा निकाल सकता है, तो वैसे भी हम लोग तो पहले से भूत बन के बैठे हुए हैं तो हमें रंग लगा के कोई वैसे तेरा फायदा है भी नहीं, तो देख भाई तुझे एक साफ सुथरा बखड़े को रंगों से रंगीन करने में जितना मजा आएगा वो हम जैसे
रंगीन भूतों को फिर से रंग लगाने में उतना तुझे मजा नहीं आएगा, तो फिर तो सोच ले। बेसिकली पॉइंट यही है कि ताजा ताजा रंगीन होने के बाद जो भी लौंडा अपने घर जाने की प्लानिंग कर रहा था या फिर होली फिर से ना खेलने की प्लानिंग में लगा हुआ था, वो तो पक्का इस रंगों की टोली में शामिल तो पक्का हो जाएगा, इन भूतों की टोली में शामिल तो पक्का हो जाएगा। और ये सब लौंडे मिलके दूसरे शिकार को ढूंढेंगे, दूसरा बकरा ढूंढेंगे जो कि साफ सुथरा है और घर से अच्छे कपड़े पहन के निकला है और जो बच बच के जा रहा था कि कोई उसे रंग ना लगाए, उसको ढूंढेंगे और उसको भी रंगों से रंगीन करेंगे और उसको भी सेम बात बोलेंगे कि देख भाई तुझे हमने रंगीन किया है, अब तेरे पास दो ऑप्शन है, या तो हमें रंग लगा के जो कि हम पहले से भूत बन चुके हैं हमको रंग लगा के अपना सेटिस्फेक्शन पूरा कर ले, रंग लगाने का बदला ले ले, या फिर हमारे टोली में आ जा और दूसरा जो साफ सुथरा लौंडा घूम रहा है उसको रंग लगा के उसको भूत बना के अपना जो खुंदस है अपना जो बदला है वो ले ले। देख तू गंदा हुआ है, तू रंगीन हुआ है, तो बाकी सब लोग साफ क्यों घूमे, हमारे टोली में शामिल हो जा। तो ऐसे करके साइकिल चलता है, इसे ये होली का रंग लगाने का एक साइकिल बोलता है। ये साइकिल हर साल चलता है, ये साइकिल ज्यादातर लौंडों के बीच ही चलता है क्योंकि लौंडे हम एक दूसरे को जानवरों की तरह रंग डालते हैं और लड़कियां कितने प्यार से एक दूसरे को रंग डालती है, ऐसा लगता है कि रंग नहीं लगा रही है, एक दूसरे को जस्ट हल्का सा टच करके निकल जा रही है। तो चलो यार बस आज के लिए इतना ही, अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और हाँ इस जोकर की बकचोदी और देखना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा बन के आएगा इसको दबा देना ताकि इस बकचोद सर्कस का एक भी शो तुम लोग मिस ना करो। अब चलो यार मैं भी चलता हूँ, मुझे भी इस भूत की टोली में शामिल होकर दूसरे जो साफ सुथरे चिकने लौंडे हैं उनको रंग लगाने जाना है। बाय बाय, हैप्पी होली।